Y2K World Traveler Channel। मैं हूँ योगेश मुकरिया और दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको हमारी गोंजाओ की होटल। हम लोग यहाँ पे क्यों स्टे करते हैं, ये एरिया हमारे लिए इतना मतलब हर बार फेवरेट क्यों है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया लूजिंग लू है। यहाँ पे फ्रूट्स की शॉप है जो रात को लेट तक चालू रहती है। ये VPN सर्विस है जिससे आप ये सारी चीज़ यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, वरना चाइना में बैन है। और यही भाई साहब डॉलर भी हमें कन्वर्ट करके देते हैं अच्छे रेट में। ये रात को 3 या 4 बजे तक चालू रहता है। और ये है होटल सुयांग। यहाँ पे हमें 228 RMB में रूम मिलता है, मतलब ये होटल कम मॉल जैसा रहता है। यहाँ से उसका रास्ता है, लिफ्ट है, जहाँ से थर्ड फ्लोर पे होटल है पूरा। फर्स्ट और सेकेंड मतलब इसका पूरा का पूरा ये शॉपिंग मॉल जैसा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से मतलब ये मॉल है पूरा, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट है, अफ्रीकन रेस्टोरेंट, क्योंकि ना ये होटल फुयांग होटल के अंदर मोस्टली अफ्रीकन लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर रात को आप आते हो तो यहाँ पे से बहुत सारे लोग बैठ के ना यहाँ पे वीडियो गेम्स खेलते हैं। पूरा स्क्रीन है, LED स्क्रीन है। यहाँ पे आप DJI के ड्रोन्स और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, गिम्बल्स मिलते हैं, शूटिंग के व्लॉग शूटिंग और वीडियो शूटिंग्स के रिगार्डिंग पूरी एसेसरीज यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे पूरा हार्डवेयर्स मिलता है। और ये रास्ता है इसका जहाँ से आपको लिफ्ट मिलती है और थर्ड फ्लोर पे जाना। थर्ड फ्लोर पे जाना रहता है आपको, ये लिफ्ट है दोनों, और थर्ड फ्लोर में जाना रहता है होटल के लिए। ये एक ही थर्ड फ्लोर ही है इसके होटल के लिए, बट कम से कम 30 से 40 एक ही लाइन में रूम है इसके, और जिसमें कम से कम ऐसी 5 से 6 लाइन है। और ये देखिए आपको यहाँ पे ना ऐसे बोर्ड देखने को बहुत मिलेंगे, इंडिया डोर टू डोर फैसिलिटीज़, फैक्ट्री, होलसेल मार्केट, सोर्सिंग, कंटेनर, फाइनेंस फैसिलिटीज़ ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एरिया में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग आते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा इंडिया का सिंबल मारा हुआ है। और ये एरिया में हमारा सबसे मतलब मेन रीज़न ये है रुकने के लिए कि यहाँ पे ना इंडियन फूड बहुत इजीली मिल जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सामने कोहिनूर रेस्टोरेंट है जो वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन देता है। यहाँ का नॉन वेज मतलब ये इंडियन नॉन वेज रहता है, बाकी चाइनीज़ नॉन वेज आप लोग भी नहीं खा पाओगे, उतना गंदा रहता है। ये डोंग यून करके होटल है, इसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे एक शर्मा जी का रेस्टोरेंट है जो चाइना के अंदर, पूरे चाइना के अंदर इंडियन लोगों में सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। गोंजाओ में भी है और एक शर्मा जी का रेस्टोरेंट शायद शांघाई में भी है, मैं गया नहीं हूँ वहाँ पर, बट है। ये नाइट पॉप के लिए, नाइट पार्टी के लिए है, क्रेजी हावर्स, जो रात को 3 या 4 बजे तक चालू रहता है। और ये है शर्मा जी का रेस्टोरेंट सिंस 1999। ये देखिए ये शर्मा जी का रेस्टोरेंट है। Yes. और एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ताज। पहले उसके पहले यहाँ पे जायका था, जायका से पहले भी कुछ था, मतलब इन शॉर्ट वहाँ पे वेज रेस्टोरेंट बनते रहते हैं बहुत बार। ये देखिए ये है फुगांग होटल। ये थोड़ा सा महंगा है बट ये होटल भी अच्छा है। व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ इन रूम? ये
One beta. But what is the price? 288. देखिए यहाँ पे भी डॉलर मिलेगा, अगर आपको डॉलर लेना है तो आरएमबी में कन्वर्ट एयरपोर्ट पे मत कराओ क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा जाता है। ये 7-Eleven है जो 24 घंटा चालू रहता है, इसके अंदर सब आइटम मिलती है, मतलब जैसे कि फूड आइटम सारी अवेलेबल रहती है। तो ये है हुयांग, मैंने आपको दिखाया एक हुगांग, और सामने जो दिख रहा है वो है युयांग, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये एरिया को पर्टिकुलर लूजिंग लू कहते हैं, लूजिंग लू। और मैं ना आपको इसका एक जो विजिटिंग कार्ड है वो भी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ये वीडियो के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको समझिए कि टैक्सी में बैठ के अगर आप आते हो, मैं वैसे तो आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टैक्सी में मत आओ, ट्रेन बहुत, मेट्रो बहुत ईजी है, बट अगर आप आते हो टैक्सी में तो आपको एयरपोर्ट से यहाँ पे आने का चार्जेस जाएगा करीबन 200 आरएमबी के आसपास, और अगर आप मेट्रो में आते हो तो जाएगा 7 आरएमबी पर पर्सन, मतलब टिकट जाएगी तो मतलब 70 रुपये में आप पहुँच सकते हो, जबकि वो 2000 रुपये में आप पहुँचोगे। और मेट्रो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो आप मेट्रो लीजिए। तो मेट्रो में आने के लिए आपको शोबे आना पड़ेगा, शोबे नाम का स्टेशन है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, ये है युयांग ट्रेडिंग मॉल। ये एक्चुअली सब होटल ऐसी होती है, बट यहाँ पे 6 और 7 फ्लोर पे पूरी होटल्स है और बहुत सारे रूम अवेलेबल है इसके अंदर, और वो काफी सस्ते भी हैं। और इसके अंदर, हाँ इसके अंदर भी एक थर्ड फ्लोर के ऊपर एक साई करके रेस्टोरेंट है जो 60 आरएमबी लेता है डिनर का, अनलिमिटेड डिनर रहता है जिसमें कुछ 10-12 चीज़ें मतलब रहती हैं, और वेज पूरा 100% वेज है, और अनलिमिटेड खाना मिलता है और अच्छा, बहुत अच्छा होता है। मैंने कल रात को यहीं पे खाना खाया था। और शर्मा जी के यहाँ पे अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो शर्मा जी के यहाँ पे चार्जेस आपको लगता है 80 आरएमबी, मतलब 850 या 840 रुपये के आसपास का आपको पर डिनर जाता है। बट शर्मा जी के यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी मतलब अलग अलग ये होती है, ज़्यादा वेराइटीज़ ज़्यादा होती है, तो दोनों जगह पे आप टेस्ट करिए खाने का। हाँ ये जो है, ये शॉप भी 24 घंटा चालू रहती है यहाँ पे, जिसमें पानी की बोतल से लेके हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, एक मिनी सुपर मॉल कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों ये था हमारी फुयांग होटल, हुगांग होटल और युयांग होटल के नियर अराउंड एरिया। और यहाँ पे सामने जो एरिया है वहाँ पे लेट नाइट तक मार्केट रहता है, मगर आपको अगर कुछ रिटेल में शॉपिंग करनी, जैसे जीन्स है, टी शर्ट है, बच्चों के शूज़ है, बच्चों के कपड़े हैं, कुछ भी लेना हो तो ये रात तक लेट नाइट तक चालू रहता है। बाकी चाइना में ऑलमोस्ट मॉल 5 या 6 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लूजिंग लू गोंजाओ के अंदर रुकने का, ये जो हमारा एड्रेस है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गोंजाओ में आते हैं तो लूजिंग लू रोड पे रुकें, यहाँ पे होटल भी अच्छी मिलेगी, खाना भी अच्छा मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ईजी है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन जिसका नाम है शोबे चल के वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 5 मिनट जाता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट व्लॉग बनाने वाले हैं जो है अपना मेट्रो स्टेशन के ऊपर। चलो बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।